आज बात होगी सौर मंडल के सबसे बड़े गड्ढे की, और ये गड्ढा हुआ है मंगल ग्रह पर। इस गड्ढे के कारण पूरा मंगल ग्रह कांप गया है, और इस गड्ढे से जो कुछ निकला है उसको देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं, क्योंकि इसकी उम्मीद वैज्ञानिकों को नहीं थी। लेकिन साथ ही जो चीज निकला है मंगल ग्रह के अंदर से, उसने वैज्ञानिकों को उत्साहित भी कर दिया है। तो क्या है वो चीज़ और ये गड्ढा कैसे बना है, ये तमाम जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस गड्ढे की बात कर रहा हूँ जो मंगल ग्रह पर बना है, उस गड्ढे का निर्माण पिछले साल 24 दिसंबर को हुआ है, यानी कि महज ये 10 महीने पुराना गड्ढा है। और जब ये गड्ढा हुआ वहां पर, तो पूरे मंगल ग्रह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो आखिरकार इस गड्ढे का रहस्य क्या है, और इस गड्ढा को कैसे बनाया गया, और ये गड्ढा आखिरकार वो क्या चीजें दिखला रहा है वैज्ञानिकों को, जिसको देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं, क्योंकि ये गड्ढा ऐसी जगह पर बना है जो वहां का बहुत ही गर्म इलाका है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसी बेल आइकन के जरिए आपको नोटिफिकेशन पहुंचता है इस तरह की तमाम जानकारियों का। तो दोस्तों, मंगल ग्रह पर जो गड्ढा बना है, दरअसल वो एक मेटियोरॉइड के टक्कर से बना है, और इसको सौर मंडल का सबसे बड़ा गड्ढा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पहली बार है जब इस तरह के गड्ढे को बनते हुए देखा गया है। और इस तरह का गड्ढा अब तक, यानी कि पूरे मानव इतिहास में, जब से मानवों को अंतरिक्ष की समझ हुई है, जब से अंतरिक्ष अभियान चलाए जा रहे हैं, तो इस तरह का गड्ढा सौर मंडल में कहीं भी बनते हुए नहीं देखा गया है। ये अलग बात है कि इस गड्ढे से बड़े गड्ढे भी कई जगहों पर मौजूद हैं, यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर भी मौजूद हैं, लेकिन ये सबसे ताजा गड्ढा है। और ये इतना बड़ा गड्ढा है जितना बड़ा गड्ढा आज से पहले कहीं भी बनता हुआ नहीं देखा गया है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 2021 को नासा के इनसाइट लैंडर ने एक भूकंप के झटके को महसूस किया था, जिसकी तीव्रता 4 थी। लेकिन उस वक्त वैज्ञानिकों को भूकंप के इस झटके की वजह समझ में नहीं आई थी, क्योंकि नवंबर 2018 में जब से इनसाइट लैंडर वहां पर लैंड किया है मार्स पर, तब से लेकर अब तक वो 1318 बार भूकंप के झटके को महसूस कर चुका है, यानी इतनी बार मंगल ग्रह पर भूकंप आ चुका है। इसलिए वैज्ञानिक भी इसको सामान्य भूकंप के झटके मानकर चल रहे थे। लेकिन 11 फरवरी 2022 को वैज्ञानिकों का ये अनुमान गलत साबित हो गया, क्योंकि ये भूकंप का झटका कोई सामान्य झटका नहीं था, बल्कि ये झटका था एक मेट्रोइड के मंगल ग्रह से टकराने का। और यही वो तारीख थी जब सबसे पहले इस मेट्रोइड से बने हुए क्रेटर को देखा गया। और नासा के वैज्ञानिकों ने जब इस क्रेटर को भूकंप के उस झटके के साथ मिलाया, जब दोनों के डाटा का सामंजस्य बिठाया गया, तो एकदम वो सटीक बैठ गए। और इस तरीके से नासा के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया कि जो भूकंप के झटके 24 दिसंबर को महसूस किए गए थे, वो इसी मेट्रोइड के टकराने के कारण महसूस किए गए थे, और उसी मेट्रोइड के टकराने के कारण ये गड्ढा बना था, ये क्रेटर बना था। और वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया है, उसके मुताबिक ये मेट्रोइड 5 से 12 मीटर के व्यास का हो सकता है। लेकिन ये इतना छोटा मेट्रोइड था, अगर ये पृथ्वी पर आता तो पृथ्वी के सघन वायुमंडल के कारण ये ऊपर ही जलकर राख हो जाता, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि मंगल ग्रह के वायुमंडल की बात करें तो ये पृथ्वी के वायुमंडल के मुकाबले केवल 1% ही घना है।
ये मेट्रोइड मंगल ग्रह के अमेजोनिस प्लैनिटिया के पास ब्लास्ट हुआ था और इसके कारण जो गड्ढा बना है उसका व्यास करीब 150 मीटर है यानी 492 फीट, और अगर इसकी गहराई की बात करें तो ये 70 फीट गहरा है यानी 21 मीटर गहरा। मेट्रोइड की जब टक्कर हुई मंगल ग्रह के सतह पर जिसके कारण ये गड्ढा बना, तो उस वक्त इस गड्ढे से निकला हुआ मलबा करीब 23 माइल यानी 37 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। और सबसे आश्चर्य की बात है, जो सबसे हैरान कर रही है लोगों को, वो ये है कि वहाँ पर जो आसपास मुहाने पर देखा जा रहा है वो है बर्फ के पत्थर। जी हाँ, पानी के ठोस बर्फ के पत्थर वहाँ पर आसपास बिखरे हुए हैं। मंगल ग्रह के सतह पर फैले हुए इस मलबे को देखकर वैज्ञानिक इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि जिस जगह पर इस मेट्रोइड की टक्कर हुई है मंगल ग्रह के सतह पर, वो पूरा इलाका बहुत गर्म इलाका माना जाता है। इसके बावजूद अगर मंगल ग्रह के सतह के नीचे पानी के बर्फ जमा हैं तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अब लगता है कि उन्हें इसके माध्यम से पूरे मंगल ग्रह पर जल का अथाह भंडार मिल जाएगा और आने वाले दिनों में इस पानी का इस्तेमाल वो एग्रीकल्चर पर्पस से कर सकते हैं, पीने के लिए कर सकते हैं, साथ ही वहाँ पर फ्यूल के काम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, जब से वो अंतरिक्ष अभियान में जुड़े हैं, उन्होंने इतना बड़ा गड्ढा बनते हुए नहीं देखा, यानी मानव इतिहास में पूरे सोलर सिस्टम में इतना बड़ा गड्ढा कभी नहीं बना। अब इस टक्कर के जो नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण करने में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, क्योंकि ये उनकी उम्मीद से बिल्कुल परे था कि मार्स के इस इलाके में भी सरफेस के इतने नज़दीक में बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं, यानी कि वहाँ पर पानी के बर्फ मौजूद हैं, क्योंकि जो टक्कर हुई है उससे केवल 72 फीट नीचे ही बर्फ के ये तमाम बोल्डर्स मिले हैं। तो वैज्ञानिक अब यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पूरे मंगल ग्रह पर हालात ऐसे ही हैं, या फिर मंगल ग्रह पर जो मानवों की बस्ती बसाने की कोशिश की जा रही है और उसका पहला पड़ाव जो 2030 में होगा, तो उसके बारे में वैज्ञानिक एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या केवल ध्रुवीय इलाका ही है जहां पर पानी मिल सकता है, या फिर मंगल ग्रह पर कहीं भी अगर हम मानवों की बस्ती बसाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर पानी बर्फ की शक्ल में उसके सतह के नीचे मौजूद होगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।